मुरम की अवैध खदान में दबकर मजदूर की मौत हो गई। पुलिस द्वारा मामले में एफआईआर दर्ज न करने के विरोध में परिजनों ने नेशनल हाईवे आगरा झांसी 75 रामगढ़ पुल के पास चक्का जाम किया। मृतक के परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तब तक जाम नहीं खोलेंगे। लेकिन इस बीच एसडीएम जयंती सिंह एवं एसडीओपी उमेश सिंह तोमर मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को समझाइश दी, जिसके बाद मृतक के परिजनों एवं समर्थकों ने जाम खोला। आपको बता दें कि डबरा अनुभाग में रेत गिट्टी बोल्डर एवं मुरम की दर्जनों अवैध खदानें संचालित हो रही है, जिनमें न जाने कितने लोगों की अकाल मौतें हो चुकी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अवैध खदानों पर रोक लगाने के लिए किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने कभी कोई पहल नहीं दिखाई। आज सुबह पिछोड़ तहसील के गिजोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बगेह गाँव का एक नौजवान कमलेश बाथम अवैध खदान में मजदूरी करने के लिए गया था कि खदान गहरी होने के कारण धसक गई और नौजवान मौत के मुंह में समा गया। जैसे ही नौजवान के दबने की खबर ग्रामीणों को लगी, तत्काल ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नौजवानों को निकाल कर घायल अवस्था में इलाज के लिए सिविल अस्पताल डबरा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने नौजवान की नब्ज टटोलते ही उसे मृत घोषित कर दिया। आपका जो मृत कैसे हुई उनकी मौत? मौत खदान में गिर गई, और गिर गई पड़ी। खदान में काम कर रहे थे, आगे नीचे ऑल गिर गई। कौन ले गया था काम कराने इनको? संतोष। संतोष कौन है ये? जाट सरपंच। कहाँ के सरपंच हैं? ग्यारह बोले गए थे। हाँ। अब आपने जाम लगा क्यों लगाया है? जाम लगाया, कोई सुनवाई ही नहीं है। ये बारे क्यों नहीं काट रहे जरूरत आने से? बताइए, बगे में जो अभी खदान को लेकर आदमी मरा, क्या नाम था उसका, क्या कारण? अभी तो पता नहीं है। थाने में बोला गया कि हम मर्ग हो गया, डेड हाउस में है। तब मैं आया डेड हाउस में, देखा तो लाश तो नहीं मिला, लेकिन अब बता रहे हैं कि अस्पताल में। सर, कौन लेके गया था उनको? नहीं, भाई खुद लेके आए थे। नहीं, जो खदान में मजदूरी के लिए कौन लेके गया था उनको? सरपंच बता रहे हैं, इतना हमने तो अभी पूछताछ किया ही नहीं है। नाम क्या सरपंच का? इतना तो नहीं बता पाऊंगा मैं, सीधे अभी मैं यही आया हूँ, पूछताछ किया नहीं हूँ अभी। एफआईआर की मांग कर रहे थे वो लोग? नहीं, एफआईआर हो गया होगा वहाँ पे, तब तो मैं आया हूँ पीएम कराने के लिए। अकादमी में असिस्टेंट कमांडेंट जो सहायक सदानी सहायक समादेष्टा होते हैं, उनके एक साल के बेसिक प्रशिक्षण को उन्होंने के उपरांत दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 14 अधिकारी आज हमारे अकादमी से पास आउट हुए हैं और इनकी पदस्थापना भी जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बटालियन से जो अलग अलग जगह तैनात है वहाँ कर दी गई। अब इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग जाके अपनी जो कंपनीज है वहाँ के कमांडर के पदभार संभालेंगे और बाकी जो इनके व्यवहारिक प्रशिक्षण है कुछ दिन के लिए उसको पूरा करेंगे। असिस्टेंट कमांडेंट्स इस बल के कटिंग एज लेवल कमांडर से, इनकी पहली पदस्थापना कंपनी कमांडर के रूप में होते हैं और ये हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वहाँ पर तैनात रहते हैं और बीएसएफ की जो मुख्य कार्य भारत पाक एवं भारत बांग्लादेश सीमाओं की रक्षा करना, वहाँ पर ये तैनात रहते हैं। इनकी